ये यहाँ पर जो इस वक्त एस्पेक्ट रेस किया गया है कि ये जो यूएस ड्रोन स्ट्राइक से एक सिटिंग कमांडर को मार देना, इस चीज को पाकिस्तान की जानिब से कंडेम क्यों नहीं किया गया? हम ये तो सुन रहे हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, बट वी आर नॉट कंडेमिंग इट, जबकि एब्सोल्युटली ये इंटरनेशनल लॉज की भी वायोलेशन है, ये इंटरनेशनल रिलेशंस की जो बेसिक नॉर्म्स है ये उसकी भी वायोलेशन है, जिसका कि हमें चाइनीज फॉरेन ऑफिसर जो है वो भी कहते हुए नजर आए हैं कि ये एब्सोल्युटली इट्स अ वायोलेशन ऑफ द वेरी बेसिक नॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस आल्सो। तो पाकिस्तान की जानिब से ये कंडेमेशन हमें क्यों नजर नहीं आ रही? रहमान रहीम जी, बहुत शुक्रिया नीलम। बात यह है कि इस वक्त जो हालात हैं वो इंतहाई नाजुक, और ना सिर्फ ईरान के साथ, तो अभी जो जनरल कासिम सुलेमानी का जो कत्ल उन्होंने किया है, ड्रोन्स की शहादत उनकी हुई है बगदाद में, इसके हवाले से एक तो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त एक न्यूट्रल रोल अदा करना चाह रहा है, क्योंकि देखिए अमेरिका का क्या नस्बुलैन है, अमेरिका और जो इस वक्त आपकी पावर्स जो इकट्ठे हुई हुई हैं, अमेरिका, इंडिया, इजराइल, नेक्सस, और उनकी कोशिश हमेशा ये होती है कि एक मुसलमानों को वर्सेस अदर कंट्रीज़, क्योंकि मुसलमानों को वो पसंद नहीं करते, मुसलमानों को हमेशा टारगेट किया जाता है, और ख़ास तौर पे अरब वर्ल्ड को वो कम्प्लीटली मिडल ईस्ट को अनरेस्ट में देखना चाहते हैं, और जिस तरह से उन्होंने अफगानिस्तान से लेकर इराक और सीरिया और लेबनान और अब ईरान, हर जगह वो अनरेस्ट, दाइश हो, आइसिस हो, आपको यही हमें पता चलता है कि दोनों तरफ अमेरिका का हाथ है, ये हम सब जानते हैं।